इफ़ यू गाइस आर इन दिल्ली और अगर आपने इस जगह पे विजिट नहीं किया तो आपका दिल्ली का टूर जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, और अगर आप दिल्ली में रहते हो और यहाँ नहीं आए तब तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कुतुब मीनार की, और इस वीडियो में आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग अबाउट कुतुब मीनार। एंट्री फ़ी अभी खुला है नहीं खुला है क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्किंग स्पेस की। अगर आप कुतुब मीनार विज़िट करने आ रहे हैं तो पार्किंग स्पेस की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर आपको पार्किंग स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे बहुत जगह है पार्किंग स्पेस के लिए, और आप अपनी कार या बाइक जिसमें भी आप आ रहे हैं आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पर गोरिल्ला पॉड अलाउड नहीं है। अगर आप फोटोग्राफी या व्लॉगिंग के लिए ट्राईपॉड लेके आते हैं तो वो अलाउड नहीं होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका कैमरा जो है DSLR या दूसरा कैमरा उसमें एक छोटा लेंस, किट लेंस या प्राइम लेंस कोई भी है आप वो लेके आ सकते हो, वो अलाउड है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपने फ़ोन से ही वीडियोस वगैरह बना सकते हो, जैसे कि बहुत लोग करते हैं। यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो इंडियन टूरिस्ट के लिए 40 रुपीज़ है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 600 रुपीज़ है। आप ये टिकट ऑनलाइन भी बुक करा सकते हो या फिर आप यहाँ आकर भी इसे परचेज कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको फोटोग्राफी का शौक़ है और आपको है कि हमें यहाँ पे अच्छी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ मिल जाए, तो आपको उसके लिए सुबह जल्दी आना बेटर रहेगा, क्योंकि उस टाइम भीड़ कम होती है और लाइट भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पे आपको लो स्तंभ भी मिल जाता है, जिसे आयरन पिलर ऑफ दिल्ली बोला जाता है। कहा जाता है कि ये 1600 साल पुराना है और इसकी हाइट 7.2 मीटर है, लगभग 23 फीट के आसपास, लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा है, लगभग 6000 किलो। और ये है इल्तुतमिश द्वारा परिवर्तन, एक्सटेंशन बाय इल्तुतमिश, उससे रिलेटेड यहाँ पे ये बनाया हुआ है, उस टाइम का ही बना हुआ है। हाँ, रिनोवेशन वगैरह होता रहता है, लेकिन वही है, टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, इसलिए आप देख सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं। मैं हूँ, मेरे साथ में है गौतम भाई, और भाई ने लिटरली मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। भाई को काम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बातें करनी है, ठीक है? देखो अभी भी बाल ठीक करने की पड़ी है, देखो भाई, ये नहीं कुछ नहीं हटा रहा भाई, ये देखो टेंशन मतलब मतलब कुछ भी चल रहा है इनके साथ, तो क्या करें, अब पुराने भाई हैं अपने। हिस्ट्री के अलावा यहाँ पर आपको नेचर की भी एक यूनिक खूबसूरती देखने को मिलती है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के आसपास आपको लश ग्रीन गार्डन्स, पुराने पीपल के पेड़ और काफ़ी सारे लोकल बर्ड्स भी नज़र आएंगे। ये जगह सिर्फ हिस्ट्री के शौकीन लोगों के लिए नहीं बल्कि नेचर लवर्स के लिए भी एक परफेक्ट स्पॉट है। सो कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया की सबसे अच्छी फोटोशूट की लोकेशन भी है, यहाँ पे हर तरीके का फोटोशूट करने आते हैं लोग। शाम के टाइम यहाँ की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है जब धूप ढल रही होती है और कुतुब मीनार अपने गोल्डन ह्यूज में, गोल्डन लाइट में और ज़्यादा चमक रहा होता है। एक फोटोग्राफर के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है ये फोटोज़ वगैरह लेने के लिए। और अब तो यहाँ पे रात के टाइम के लिए साउंड एंड लाइट शो भी स्टार्ट कर दिया गया है। कुतुब मीनार को देखते हैं और साथ में ताजमहल के बारे में जब लोग देखते हैं या जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुतुब मीनार ताजमहल से बहुत ऊंचा होगा, लेकिन आपको पता है ताजमहल की हाइट कुतुब मीनार से 5 फीट ज़्यादा है। और ये है इल्तुतमिश का मकबरा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, और ये मकबरा बना था 1235 में, मतलब लगा लो लगभग 900 साल होने वाले, नहीं 990 साल, लगभग 1000 साल होने वाले
और अभी भी ये इतना, इसकी वॉल्स वगैरह इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी इन्हें इतनी आसानी से हिला नहीं सकता। और ऊपर से नक्काशी भी इतनी ज़बरदस्त होती थी पहले के टाइम पे, अब भी होती है। अभी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अक्षरधाम टेम्पल, उस टाइम पे भी नक्काशी का भरपूर प्रयोग किया जाता था और बहुत अच्छी नक्काशी होती थी। और ये है मुगलों की कब्रें, ग्रेवयार्ड है, उस टाइम पे ही बनाया गया था। किस किस की हैं वो तो इसमें कुछ मेंशन नहीं है सच, बट ये है सारी की सारी कब्रें। ये है एक्चुअली अलाई मीनार, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। वो एक्चुअली मस्जिद का जो पीछे मस्जिद है उसका जो एरिया है उसको डबल करना चाहते थे और कुतुब मीनार से डबल हाइट की एक और मीनार बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई तो ये प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी ये ऐसे है और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। सो कुतुब मीनार से तो बस इतना ही, लेकिन दिल्ली में और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि हुमायूं टॉम, सफदरजंग टॉम और आजकल जो नया खुला है वेज टू वंडर, जिसमें 7 अजूबे हैं दिल्ली के। यहाँ से बस इतना ही, बाकी वो ऑलरेडी मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ, देखा नहीं है तो उनको जाके ज़रूर देख लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड।